बेटा ये टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और मोलार कंडक्टेंस से दिया गया है। दिस इज कॉल्ड एज ए मोलार कंडक्टेंस, ये है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड दिस मोलार एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विल बी इंक्रीजेस विद द डाइल्यूशन। बट के जो होता है बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो या कंडक्टिविटी बोलो, इट विल बी डिक्रीजेस विद द डाइल्यूशन। यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस क्या है बेटा, दे आर आस्किंग अस टू गेट द अल्फा, अल्फा को बोलते हैं हम डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और वो कैसे निकालते हैं, ये जो मोलार कंडक्टेंस एट सी, सी मतलब गिवन कॉन्सेंट्रेशन, बाय मोलार, एम मतलब मोलार, उल्टा वाला वी मतलब कंडक्टेंस एट इन्फाइनाइट डायल्यूशन, ये हमें निकालना पड़ता। तो गिवन वैल्यू बाय कैलकुलेटेड वैल्यू को डाल दो, आपको अल्फा या डीओडी आ जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बोर्ड पर रखा हुआ है, देख लीजिए। कंडक्टिविटीज एट इन्फाइनाइट डायल्यूशन ऑफ NH4Cl 130, NaOH 218, NaCl 120 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। मतलब ये जो सारी वैल्यूज है ना बेटा, इट इज़ ए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दी गई है एट इन्फाइनाइट डायल्यूशन। या तो आप ऐसे लिखो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फाइनाइट डायल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन में ये तीनों की वैल्यू दे दी है। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन बाय 100 सोल्यूशन ऑफ NH4OH, NH4OH आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 10 दी गई है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी दी गई है। हमसे पूछ रहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा DOD ऑफ NH4OH एट दिस डायल्यूशन। देखो बेटा, फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है, अगर मुझे अल्फा निकालना है तो आई शुड नो दिस कंडक्टेंस, मतलब अभी यहाँ मोलार दिया, ये इक्विवेलेंट किया है। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला हम ऐसे बना सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट द गिवन कॉन्सेंट्रेशन बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट द इन्फाइनाइट डायल्यूशन। बेटा गिवन, ये वैल्यू गिवन आपको दी गई कितनी है, 10, और ये आपको निकालना है। अच्छा, ये निकालते कैसे हैं, आई विल एक्सप्लेन यू ऑन द बोर्ड, ज़रा ध्यान से देखिए, ये आपको गिवन वैल्यू कैसे निकालते हैं। सी हियर, गिवन वैल्यू निकालने का तरीका है बेटा, आपको NH4OH पूछा गया है और आपको तीन इलेक्ट्रोलाइट दिए गए हैं, तो आप ऐसे लिखो NH4Cl प्लस NaOH, बेटा इट गिव्स NH4OH प्लस NaCl, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है, दिस इज ए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फाइनाइट डायल्यूशन ऑफ NH4Cl इज 130, बेटा NaOH 218, आपकी NH4OH निकालनी है और NaCl आपको दिया 120। बट आप इसे ऐसे लिख सकते हो 130 प्लस 218 इक्वल टू x प्लस 120। सॉल्व कर लो बेटा, x की वैल्यू आ जाएंगी कितनी, देखो यहाँ पर आ रही 8, 3 प्लस 1 4, ये आ गई 3, माइनस ऑफ 120 करा लो, ये गया 8 2। तो बेटा यहाँ पे सॉल्व कर लो, आपको x की वैल्यू आती है 228, एंड व्हाट इज़ दैट, इट इज़ ए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फाइनाइट डायल्यूशन ऑफ NH4OH, क्योंकि आपने x की वैल्यू किसके लिए, NH4OH की वैल्यू। तो बेटा इसकी गिवन वैल्यू 10 है, कैलकुलेटेड वैल्यू आपको आ रही 228, और सॉल्व करो बेटा, आंसर आ रहा 043 इज़ अ वैल्यू ऑफ अल्फा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। इज़ इट क्लियर बेटा, बना लो इसे।